जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों की विवाह की जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसमें किन राशि के जातकों की कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में शादी के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आप पूरी अंत तक अवश्य देखें। वहीं अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको विवाह संबंध की सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं और इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, ये तमाम तरह की जानकारी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये सभी जानकारी आपको केपी की वाणी के जरिए माध्यम से मिल जाएगी। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपने विवाह कुंडली बनवा सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपके साथ तय हो रही है, तय होने वाली है, तो आपको अवश्य सलाह दूं कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष लगने पर विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, तो इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस वीडियो में आपको मेष से लेकर मीन राशि के जातक के साल 2024 में सभी राशियों के कैसे विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा और जिन जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं उसकी भी जानकारी दूंगा। तो आइए इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो सर्वप्रथम मेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय से 1 मई 2024 तक योग है, क्योंकि इस समय तक गुरु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, तो इस दौरान गुरु की कृपा के चलते मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग है। अगर आपकी राशि मेष है तो आपका नाम अक्षर ए से हो सकता है, एल से हो सकता है और ई से हो सकता है। वहीं आपके जन्मदिन से अगर बता दूं कि जन्मदिन से 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य मेष राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। और बात करें दिशा की, तो दिशा आपके लिए दक्षिण और पूर्व की दिशा है, यानी इन दोनों दिशाओं में आपके लिए विवाह के योग है। बात करें नाम अक्षर की, तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें महीने की, फरवरी का महीना, जून का महीना शुभ है। वहीं पंजाबी समुदाय के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में भी विवाह के योग है। आपने करना क्या है, तो शीघ्र विवाह के लिए जो है आप शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करें और इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर कहें मेष राशि के जातक के लिए 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक विवाह के योग बन रहे। अगली राशि वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि के जातक 1 मई तक आपके लिए विवाह के योग नहीं है, क्योंकि गुरु वर्तमान समय में आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं और इसके चलते आपके विवाह के योग वर्तमान समय में नहीं बन रहे, लेकिन 1 मई के पश्चात 1 वर्ष तक आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो जब गुरु का गोचर होगा तो उस दौरान फिर वृषभ राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। बात करें जन्मदिन से, तो 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य विवाह के योग है। बात करें महीने की, तो मई से लेकर फिर अगले साल मई तक और मार्च और अप्रैल में आपकी सगाई के योग बन रहे हैं। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें, तो शिव जी को है कच्चे दूध से अभिषेक करें, इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना करें, इससे शुक्र मजबूत होगा और शीघ्र विवाह के योग आपके लिए अवश्य ही बनेंगे। बात करें नाम अक्षर की, तो एच नाम के जातक, पी नाम के जातक और आर नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं, अगर आप वृषभ राशि के जातक। अगली जो राशि है वो मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातक के लिए भी 1 मई 2024 तक ही विवाह के योग है।
उसके पश्चात इस वर्ष फिर आपके लिए विवाह के योग नहीं है साल 2024 में, क्योंकि गुरु का जब गोचर होगा तो गुरु आपके द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे, और जब गुरु द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो फिर विवाह के योग नहीं बनते हैं। बात करें जन्मदिन से तो 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं 1 मई तक आपके लिए शुभ योग है। बात करें महीने की तो मई और जून का महीना सगाई के लिए योग बना रहा है। आपने शीघ्र विवाह के लिए करना क्या है, तो आप जल में दुर्वा या बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का जो है जलाभिषेक करें, इससे आपको अवश्य ही फायदा होगा। इसके अलावा भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करने से भी आपको लाभ होगा। बात करें नाम की, पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बंधने वाले हैं अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं। इसके अलावा कर्क राशि, तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, वर्तमान समय से लेकर अगले साल जनवरी तक आपके लिए शुभ योग है, यानी साल 2024 में हर समय आपके लिए शुभ योग बन रहा है, क्योंकि गुरु हमेशा ही कर्क राशि में उच्च के होते हैं और इन्हें शुभ फल ही देते हैं। तो अगर आप जन्मदिन से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर्क राशि के जातक है तो 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष। बात करें महीने की तो मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों में आपके शादी के योग बन रहे हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी को जो है कच्चे दूध से जो है अभिषेक करें, और इससे चंद्रमा मजबूत होगा और फिर आपको मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होगी अगर चंद्रमा मजबूत होता है तो। और अगर आप शिव जी को कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं आपको मनोवांछित फल भी प्राप्त हो। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के जातक का नाम अक्षर एम से होता है। इनके विवाह वर्ष जो है 26 से लेकर 31 वर्ष के मध्य होते हैं। विवाह का महीना जो है साल 2024 में जुलाई, अक्टूबर, नवंबर रहने वाला है। पंजाब समुदाय के जो भी लोग हैं उनके नाम जो एम से अधिक होते हैं तो उनके अक्टूबर में विवाह के योग बन रहे हैं। सिंह विवाह के लिए जो है जल में रोली मिलाकर सूर्यदेव की उपासना करें, इसके अलावा भगवान विष्णु जी के दर्शन करना भी आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। बात करें नाम अक्षर की तो एम नाम के जातक, के नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बनने के योग्य है। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से होता है। बात करें जन्मदिन से तो 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य कन्या राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं। बात करें अगले वर्ष की, आगामी वर्ष की यानी साल 2024 की, तो साल 2024 में जो है गुरु आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो इस भाव में भाग्य भाव में गुरु के रहने पर जो है आपके लिए किस्मत का साथ मिलेगा और इस दौरान आप पर गुरु की कृपा अवश्य ही बरसेगी। मार्च से लेकर जुलाई के मध्य जो है आपके रिश्ते तय होने के योग दिख रहे हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार को केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें और इस समय तक मौन व्रत धारण करें। बात करें नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक, जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बंधने वाले। अगली जो राशि है वो तुला राशि, तो तुला राशि के जातक के लिए 1 मई 2024 तक तो प्रबल योग है, उसके पश्चात योग की संभावना कम रहेगी अगर आप तुला राशि के जातक। तुला राशि के जो जातक हैं उनका नाम अक्षर आर से होता है। और बात करें उम्र की तो 20 वर्ष से लेकर 31 वर्ष के मध्य तुला राशि के जातक के लिए शुभ रहता है। बात करें महीने की तो जनवरी से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ है साल 2024 में, इस दौरान आपके पर्ण सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो भगवान शिव का जो है वो अभिषेक हर सोमवार और शुक्रवार के दिन अवश्य ही करें। बात करें नाम अक्षर की तो एम नाम के जातक, जी नाम के जातक, एस नाम के जातक के साथ आपके पर्ण सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं अगर आप तुला राशि के जातक। अगली राशि वृषभ राशि है। गुरु के गोचर होने से वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। 1 मई 2024 तक प्रबल योग ना बने लेकिन उसके पश्चात प्रबल योग बनेंगे। अगर जन्मदिन से देखें तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो इस दौरान आपके योग बन रहे हैं। महीने की बात करें तो जून का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ है। इन 3 महीनों में आपके पर्ण सूत्र में बंधने के योग हैं। हालांकि साल 2024 में जून में विवाह मुहूर्त नहीं है तो हो सकता है कि जून के बदले में जुलाई का महीना आपके लिए शुभ हो। शीघ्र विवाह के लिए हर शुक्रवार को जो शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें इससे भी योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, आर नाम के जातक, इसके अलावा जी नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातक के लिए वर्तमान समय से योग है, साल 2024 में भी योग है। अगर आपका नाम अक्षर बी से, बी एस से है या फिर एफ से है यानी कि भ और फ से है, साल 2024 में गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु की कृपा से, गुरु इनके राशि स्वामी होते हैं, धनु राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा और उस दौरान आपके पर्ण सूत्र में बनने के योग है। मार्च से लेकर फरवरी, मार्च और नवंबर का महीना आपके लिए शुभ है।
इन 3 महीने में आप कन्यासूत्र में बंध सकते। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, जल में हल्दी मिलाकर जो है भगवान विष्णु को जल का अर्घ दें, इससे भी जो है शुभ योग अवश्य बने। मकर राशि के जातक, इनके राशि स्वामी शनि है, आराध्य भगवान शिव जी है। इनके विवाह वर्ष की जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है। साल 2024 में जनवरी का महीना, मई का महीना और जून का महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। शीघ्र विवाह के लिए जो है शुक्ल पक्ष में जल में सफेद फूल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे जो है शुभ योग अवश्य बनेगा। वर्तमान समय 7:30 का अंतिम चरण है और जब गुरु का गोचर होगा तो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा कुंभ राशि के जातक है, कुंभ राशि के जातक के लिए वर्तमान समय में योग बहुत कम है। साल 2024 में संभावनाएं रहेंगी मई से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर के महीने में भी योग आपके लिए बन रहे हैं। जन्मदिन से लेकर तो 22 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के मध्य योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बनने के योग। दिशा की बात करें तो दक्षिण दशा और पश्चिम दशा आपके लिए शुभ है। वहीं मकर राशि के जातक के लिए भी पश्चिम दशा शुभ माना जाता है। नाम की बात करें तो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक इनमें शामिल होते हैं। वहीं अगर अंतिम राशि जो है मकर के बाद कुंभ और कुंभ के पश्चात मीन राशि, मीन राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी गुरु होते हैं, आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु जी होते हैं। इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व दिशा होती है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग प्रबल है। बात करें जन्मदिन से तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष अधिकतम के लिए विवाह के योग बनते हैं। 26 से 32 वर्ष के मध्य इनकी शादी निश्चित ही हो जाती है अगर आप मीन राशि के जातक हैं। बात करें महीने की तो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और मई का महीना विवाह हेतु शुभ माना जाता है। शीघ्र विवाह के लिए तुलसी के पौधे के नीचे अगर शुद्ध घी के दीपक आप जलाते हैं हर संध्या काल में, तुलसी महारानी की कृपा अवश्य बरसेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, तो उनकी कृपा आप पर अवश्य बरसेंगे और तत्पश्चात आपके योग बनेंगे। वर्तमान समय में जो है केतु का गोचर कन्या राशि में और राहु का गोचर मीन राशि में रखा है, तो साल 2025 मई महीने तक जो है 18 महीने तक इन दोनों राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। अगली कड़ी में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के साल 2024 में जिन महीने में रिश्ते आ सकते हैं उसकी जानकारी दूंगा। तो हमारे साथ बने रहें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसते रहें। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।